गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बेटा मैंने लास्ट आपको लेक्चर में एक्सरसाइज 5.6 करवाई थी, आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.7 करा रही हूँ, ठीक है? चलो देखो, 5.7 में आपका क्या टॉपिक है? हाइपरबॉलिक फंक्शंस। हाइपरबॉलिक फंक्शंस क्या होते हैं? देखो, इफ एक्स इज एनी रियल नंबर, देखो अगर मेरे पास कोई एक एक्स वेरिएबल है, अगर वो कोई एक रियल नंबर है, देन वी डिफाइन द हाइपरबोलिक फंक्शन एज। तो हम हाइपरबोलिक फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? जैसे कि साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, ये हमारे क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब मैं पढ़ रही हूँ हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन में हमारे पास क्या हो जाता है, जिसमें हमारा एक्स क्या होता है, कोई भी एक रियल नंबर, तो उसमें हम हाइपरबोलिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन हम कैसे करते हैं? साइन और साथ में हम क्या लिखते हैं? एच। व्हाट इज एच हियर? एच मीन्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये एच यहाँ हमारा किस चीज को डिनोट करा है? हमारे हाइपरबोलिक फंक्शन को डिनोट करा है। यानी कि यहाँ पे हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, हाइपरबोलिक फंक्शन को लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन एच एक्स। तो हम इसको कैसे, मतलब हम इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? साइन एक्स। वैसे तो हम साइन एक्स बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन अगर हाइपरबोलिक फंक्शन है तो वी कॉल इट साइन एक्स। और साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई रेस टू द पावर एक्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा क्या होता है? हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं, जिसमें एक्स हमारे पास क्या है? कोई भी एक रियल नंबर है। ऐसे ही कोस एक्स इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। थर्ड वन इज योर टेंस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। देखो टेन का वैसे हमें सिंपल फॉर्मूला पता होता है कि टेन एक्स को हम क्या लिखते हैं? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो हम हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए भी क्या रिप्रेजेंट करेंगे? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का अगर मैं ये दोनों फॉर्मूला पुट करती हूं तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास टेन एक्स का फॉर्मूला क्या बच जाएगा? ये वाला। तो ये आपका क्या होता है? टेन एक्स का हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला। ऐसे ही ये कोट एक्स का है, ये सिकेंड एच एक्स का है, और ये कोसेकेंड एच एक्स का क्या है? फॉर्मूला है। तो बेटा ये सारे आपको लर्न करने हैं, ठीक है ना? तो ये आपके हाइपरबोलिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज हैं। चलिए इसके बाद आता है बेटा आपके पास कुछ इसकी फंडामेंटल होते हैं, फंडामेंटल रिलेशंस। जैसे देखो, सम फंडामेंटल रिलेशंस ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। देखो कुछ रिलेशंस हमारे हाइपरबोलिक फंक्शन के वो क्या है कि अगर मेरे पास साइन 0 है तो क्या होगा, यानी कि यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है मेरी 0, तो जो इसका फॉर्मूला है उसमें भी जहां जहां एक्स होगा उसके प्लेस पर मैं क्या लिखूंगी? 0 लिखूंगी। तो ये क्या होगा? ई रेस टू द पावर 0 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखो, ई की पावर 0 भी क्या हो जाएगी? 1। ई की पावर माइनस 0 भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी ना। तो यहां क्या होगा? 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया? 0 अपॉन 2। तो 0 अपॉन 2 कितना होता है? 0। तो इसलिए हमारी साइन 0 अगर होता है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा? 0 के इक्वल होती है। तो आप चाहे इसको ओरली लर्न कर लो, अदरवाइज आप इसको ऐसे अगर हम सॉल्व करके चेक करें तो मतलब इसका रीजन है कि ये हमारा 0 कैसे आया, ये हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू क्या आ गई है? 0 आ गई है। समझ आ गई बात आपको? चलो नेक्स्ट है हमारे पास कोश 0। इसकी वैल्यू होती है 1। 1 कैसे आई? देखो मैंने कोश 0 यानी कि इसके फॉर्मूले में जहां पर x था, x के प्लेस पर मैं 0 पुट करी हूं, तो e रेस टू द पावर 0 कितना होता है? 1। प्लस e रेस टू द पावर माइनस 0 भी मेरा क्या होता है? 1 ही होता है। तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो गया? 2 अपॉन 2। तो ये किसका कितना आ गया मेरे पास? 1। इसलिए कोश 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्लियर है? नेक्स्ट रिलेशन है आपका कोश एक्स प्लस साइन एक्स। देखो मैंने दोनों के फॉर्मूलाज लिख दिए, इसका हम एलसीएम वगैरह सब कुछ लेंगे तो मेरे पास लास्ट में क्या बच जाएगा? ई रेस टू द पावर एक्स। तो इसका रिलेशन हमारा क्या है? ई रेस टू द पावर एक्स। प्लस का साइन है तो ई रेस टू द पावर एक्स, और अगर कोश एक्स माइनस साइन एक्स है तो ई रेस टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है? फिर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी फॉर्मूला पढ़ा था कि कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़े हैं? कोश स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1।
फिर 1 - 10² x = sec² x, तो ये बेटा आपके को सेवरल रिलेशंस हैं, कितने हैं 11, ये आपको यहाँ पर ये लर्न करने हैं और सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका सम रिलेशंस ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। इसके बाद आती है बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। देखो डिफरेंशिएशन, अब हमने हाइपरबोलिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी तो पढ़ना है ना, जैसे आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ी थी, क्या होती है कॉस एक्स होती है, तो ऐसे ही हम हाइपरबोलिक की भी पढ़ेंगे। तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन हमारी क्या होती है बेटा, कॉस एक्स होती है, ठीक है। तो बेटा ये मैं बुक में से ही बता रही हूँ, ठीक है, आप लोग यहां से इसको लर्न कर लीजिएगा। हमें ये प्रूफ और ये सब कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इनके फॉर्मूलास पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, कोश एक्स। ऐसे ही कोश एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा टेन एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है सिकेंट एच स्क्वायर एक्स। कोट एच एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है माइनस कोसिकेंट एच स्क्वायर एक्स। सिकेंट एच एक्स का डिफरेंशिएशन का ये होगा, कोसिकेंट एच एक्स का ये होगा। तो बेटा आपको जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज लर्न किए हैं, ऐसे ही आपको हाइपरबोलिक के भी लर्न करने हैं। चलिए अब देखो, आपको मैंने एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करवाए थे, फिर उसका इनवर्स कराया था, ऐसे ही अब हमने यहाँ पर पहले हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़े हैं, अब हम हाइपरबोलिक का क्या पढ़ेंगे, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस यहाँ हमारे साथ में डिनोशन क्या आ जाती है, एच आ जाती है, यानी कि हम यहाँ पर बस क्या करेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शंस को लेकर चलेंगे। तो चलिए देखिए, इफ एक्स इक्वल साइन वाई, अगर मेरे पास एक्स किसके इक्वल है, साइन वाई के इक्वल है, तो वाई मेरा क्या होगा, इनवर्स हाइपरबोलिक होगा किसका, साइन ऑफ एक्स का, जिसको हम कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक को आप कैसे लिखते थे, साइन इनवर्स एक्स, और इसको आप कैसे लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स लिखोगे, क्लियर है। चलो द इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग फॉर्म, जो हमारे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है वो कुछ इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स हमारा किसके इक्वल होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। बेटा ये इसका डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ एक क्या है हमारे पास, इसका एक्सप्रेस है, ठीक है ना। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स का ये वाला, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। टेन इनवर्स एक्स का 1/2 लॉग 1 + x / 1 - x होता है, पर यहां हमारी कंडीशन होती है कि जो हमारा x है, x क्या होगा आपका, लेस देन 1 होगा, लेकिन जो x है यहाँ पे क्या है आपका, मोड, इसका पता है ना बेटा ये क्या होता है, मोड, इसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। इसका मतलब है कि x की जो भी वैल्यू होगी अगर वो नेगेटिव है तो वो हमारी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो x मोड हमारा क्या होगा, लेस देन 1, तब हम tan इनवर्स x की ये वाली टर्म को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़े हैं, तो इनवर्स हाइपरबोलिक की डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स x का dy/dx का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 + x², क्लियर है। सेम कोश इनवर्स एक्स का d/dx = 1/√x² - 1। फिर टेन इनवर्स एक्स में बेटा यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि एक्स आपका क्या होना चाहिए, लेस देन वन, मोड ऑफ एक्स आपका क्या होना चाहिए, लेस देन वन होना चाहिए। तो उसके डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला होता है 1/√1 - x², ठीक है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट है आपके पास कोट एच इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, -1/√x² - 1। फिर सिकेंट एच इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, -1/√1 - x². एंड द लास्ट वन इज कोसिकेंट एच इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बेटा आपका क्या हो जाएगा, 1/mod(x) √x² - x² + 1, और साथ में यहाँ पर क्या आएगा, माइनस भी आएगा। तो हमारे पास ये क्या है, इसके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो आपको ये सब लर्न करने हैं और इसके बाद हम इसको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे।
चलिए अब जो मैंने आपको ये सारी डेफिनेशन सबको समझाया है, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर वन में देखो वो हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव। मुझे क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव किसका, लॉग साइन एक्स का। कैसे करेंगे, देखो मैं आपको सारे फॉर्मूलाज बता चुकी हूं ना, तो हमें क्या करना है, वन बाय वन उन फॉर्मूलाज को इसमें पुट करना है। चलिए देखिए, फर्स्ट स्टेप पे मैंने यहां पर क्या किया, लेट किया वाई इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स। हमें क्या निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चलो स्टार्ट करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स। यहां पे हमें फंक्शन क्या दिया है, लॉग साइन एक्स। मैंने आपको लॉग एक्स के डिफ्रेंशिएशन बताई थी, क्या होती है लॉग एक्स की, वन अपॉन एक्स। बट यहां एक्स के प्लेस पर क्या है, हमारे पास साइन एक्स है, तो हम क्या करेंगे, वही यहां पर एक्स के प्लेस पर लिखेंगे साइन एक्स। लेकिन हम उसका क्या करेंगे, फर्दर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। बताया था ना कि चेन से हम क्या करते हैं, चेन बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सेम मैंने यहां पर भी वही अप्लाई किया। ठीक है, तो लॉग एक्स की क्या हो जाएगी, वन अपॉन एक्स, और फिर आपको फर्दर आगे किसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, साइन एक्स की। साइन एक्स की मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल होगा, हमारा कोश एक्स के। ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई करी हूं, तो मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा, कोश एक्स आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास कोस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कोट एक्स के होता है। तो सेम जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ते थे, वही हमें यहां पर क्या करना है, हाइपरबोलिक में भी पढ़ना है। तो कोश एक्स अपॉन साइन एक्स भी बेटा हमारा किसके इक्वल होगा, कोट एक्स के। ठीक है, सो यू हैव टू पुट दिस फॉर्मूला राइट हियर। तो ये क्या हो जाएगा, कोट एच एक्स। तो ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, चलो एक मैं आपको इसका ये थर्ड पार्ट भी करा रही हूं। वैसे बेटा इसमें सिर्फ आपको एक ही एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल के आपके थ्री पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट और लास्ट वन मैं आपको करा रही हूं, सेकंड वन आपको करना है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको ही ट्राई करने हैं। एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका मीनिंग या जिसका फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया, तो ये आपको ट्राई करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछोगे। ठीक है, चल देखो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, टेन इनवर्स एक्स प्लस ए अपॉन वन प्लस ए एक्स। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल। अब देखो मैंने आपको बताया था टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला, क्या बताया था, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। पर यहां तो मेरा x है ही नहीं, x के प्लेस पर मेरे पास क्या है, x प्लस ए अपॉन वन प्लस ए एक्स। तो मैं क्या करूंगी, यहां पर जहां जहां मेरा x है, x के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, x प्लस ए अपॉन वन प्लस ए एक्स। तो बेटा यहां जो आपका फॉर्मूला है, यहां पर देखो ये x है ना, तो x के प्लेस पर हम क्या करेंगे, अपनी ये वाली पूरी टर्म को पुट करेंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस ए अपॉन वन प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंसिएशन। पर अब देखो ये भी आपका पूरा एक फंक्शन है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब इसको भी करो। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको u अपॉन v वाली फॉर्म बताई थी ना, देखो इसको हम u कंसिडर करेंगे, इसको हम v कंसिडर करेंगे। तो अब यहां पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, u अपॉन v वाली फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करो, x प्लस ए होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई। चलो क्या था, डिनोमिनेटर में हमने क्या करना होता है, v का स्क्वायर, देन v as it is u की डिफ्रेंसिएशन, देन u as it is v की डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, अभी मैंने डिफ्रेंसिएशन नहीं की, अभी मैं सिर्फ क्या करी हूं, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करी हूं।
आफ्टर पुटिंग फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। बेटा प्लीज आप लोग इसको डायरेक्टली मत किया करो, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली ये वाला फॉर्म अप्लाई करते हो तो आप अपना यहाँ पे कई बार साइन की गलतियां करते हो और कई बार आप डिफ्रेंशिएशन करनी ही भूल जाते हो। तो अगर आप इस अकॉर्डिंगली अपने स्टेप करोगे तो आपकी गलती नहीं होगी। हमारा मेन टारगेट क्या है, हमें अपने स्टेप्स में गलतियां नहीं करनी है, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज जब हम ये वाली फॉर्म अप्लाई करते हैं बेटा, तो फर्स्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, देन डिफरेंशिएट, ठीक है। चलो तो देखो यहां पर भी जो मेरी ये वाली टर्म है, मैं इसका एलसीएम ले सकती हूँ, है ना। चलो तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेके हमारे पास क्या टर्म लेफ्ट रह जाएगी, 1 plus ax² और यहाँ पे 1 plus ax² माइनस x plus a² ठीक है। तो देखो आसान हो गया ना, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे, डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं किया। अगर मैं डायरेक्टली करती तो मेरे साथ क्या होता, यहाँ पे कुछ ना कुछ या तो गलत हो जाता या फिर हम कुछ ना कुछ भूल जाते, तो हमारे पास फिर क्या होता है, आंसर्स में गलतियां हो जाती हैं। देखो x माइनस ए, x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1 और a क्या है आपका कॉन्स्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे x प्लस ए एज इट इज, 1 की डिफरेंशिएशन 0, ए एक्स के डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1, क्योंकि a कांस्टेंट है एज इट इज, और x की क्या हो जाएगी 1। तो अब मैंने यहां पर क्या किया, इसके डिफरेंशिएशन कर दी, ठीक है। चलो अब देखो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है, हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये हमारा कहां पर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो आपके पास अब हमारी टर्म आ गई लेफ्ट 1 plus ax² डिनोमिनेटर में 1 plus ax² माइनस x plus a² ठीक है। और यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 plus ax - ax - a² डिवाइडेड बाय 1 plus ax² बस मैंने सिंपल यहां पर क्या किया, ब्रैकेट में आधा मल्टीप्लाई किया है और माइनस का साइन था, तो माइनस के साइन की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। अब देखो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, सेम टर्म है अपोजिट साइन में है तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ये वाली दोनों टर्म भी हमारी सेम है तो ये भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास अब देखो न्यूमरेटर में क्या टर्म बच गई, 1 minus a² और डिनोमिनेटर में क्या टर्म बच गई, 1 plus ax² माइनस x plus a² ठीक है। चलो अब बस हमारे पास क्या स्टेप रह गया, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। और मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि हम सिंप्लीफाई अपने अकॉर्डिंगली ही करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहां आपके पास क्या टर्म लेफ्ट है, 1 plus ax² आपको मैंने वो फॉर्मूला बताया था ना, a plus b² क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करी हूं, ठीक है ना। चलो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, ठीक है। माइनस यहां पर भी अप्लाई करो, a² + b² + 2ab। तो मैंने यहां पर क्या किया, डिनोमिनेटर में दोनों टर्म पे हमने a + b² का फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब बस हमने क्या करना है, साइन चेंज करने हैं, और साइन चेंज करके हमारे पास जो वैल्यूज हैं, सेम वैल्यूज अगर कैंसिल हो रही हैं तो हम कैंसिल करेंगे, अदरवाइज हम इनको ऐड करके अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस का साइन था तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है तो ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो बस हमारे पास अब क्या आ गया, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1 plus a² x² - x² - a². अब आपने यहाँ पे क्या करना है, देखो ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म है, क्या मैं यहां से x कॉमन ले सकती हूँ, हाँ मैं यहां से x कॉमन ले सकती हूँ। चलो यहां से x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, a² - 1, ठीक है ना। और ये वाली टर्म हमारे पास क्या रह जाएगी, 1 minus a² तो लेकिन बेटा ये देखो यहां पर हमारे पास 1 minus a² है, यहां पर भी 1 minus a² है, मैं यहां पे भी 1 minus a² बनाना चाहती हूँ जिससे कि मैं कॉमन लू ना तो मेरी वैल्यूज कैंसिल हो जाएं। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें टर्म को सेम बनाना होता है और हमें इंटरचेंज करना होता है तो हम माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन ले रही हूं तो मेरे पास ये टर्म क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी,
ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या था एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वन, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया माइनस, तो मेरे पास क्या टर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों ब्रैकेट सेम बनाने के बाद हम इनको कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने वन माइनस ए स्क्वायर को कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या लेफ्ट रह गया वन अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपको जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं उनकी डिफ्रेंसिएशन बेटा आपको ऐसे करनी है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट आता है या किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लाइव क्लास में या मुझसे वैसे भी इसके डाउट्स ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।